अभी हम लोग कपाला से गुलू जा रहे हैं। गुलू युगांडा में नॉर्थ में सिचुएटेड है, कंपाला से 330 से 335 किलोमीटर दूरी पे है। भाई हम लोगों की गाड़ी पुलिस वाले ने रास्ते में रोक दिया। गुलू शहर को देख के मुझे काफी जलन महसूस हो रहा है। तो खाना आ गया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ग्लोबल आरडी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रॉबिन। यार 6 महीना बाद, मतलब यूं कि आज से 6 महीना पहले मैं कंपाला से अप कंट्रीज में ट्रैवल किया था, और 6 महीना बाद फिर से मुझे मौका मिला ट्रैवल करने के लिए। और आपको तो पता ही है, ट्रैवल करने के लिए जब मुझे मौका मिलता है तब तो मैं आगे पीछे कुछ भी नहीं देखता, कुछ भी नहीं सोचता, बस मैं निकल पड़ता हूँ। बट ये जो ट्रैवलिंग है, ये पर्सनल ट्रैवल नहीं है, ये ऑफिशियल ट्रैवल है। तो अभी हम लोग कंपाला से गुलू जा रहे हैं। गुलू युगांडा में नॉर्थ में सिचुएटेड है, करीब करीब कंपाला से 330 से 335 किलोमीटर दूरी पे है। काफ़ी लंबा सफ़र है। सवेरे 4:30 बजे उठा हूँ और 7 बजे निकल पड़ा। अभी 10:45 बजा हुआ है, आधा भी नहीं आया। 1.5 घंटा तो लग ही गया कंपाला सिटी को क्रॉस करने के लिए, बट अभी करीब करीब 200 से 250 किलोमीटर रह गया है। तो ये जो स्ट्रेच है, रोड काफ़ी बढ़िया है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये हफ्ते के लिए मैंने टूर पे निकला, तो ये हफ्ते में आज गुलू रहना है, कल भी गुलू रहना है, परसों गुलू से इम्बाले आना है। तो गुलू से इम्बाले भी काफ़ी लंबा सफ़र है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा। छोटा छोटा टाउन है, कैसा है युगांडा में ये सब टाउन, सिटी तो नहीं कह सकता, टाउन ही बताऊंगा। तो कैसा है वो भी सब शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, तो वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को आप सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। कंपाला से गुलू जाने का जो रोड है, बहुत बढ़िया रोड है एकदम। और सबसे बढ़िया जो है, मतलब रोड का जो सबसे बड़ी जो खासियत है, ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर है, एकदम खाली है ट्रैफिक। बट जो सबसे दिक्कत वाली बात है, यहाँ पे करीब 150 से 250 किलोमीटर के स्ट्रेच है जहाँ पे एयरटेल का जो नेटवर्क है बिल्कुल ही काम नहीं करता। मतलब आप यूँ मान लें कि आप आउट ऑफ द वर्ल्ड है, कोई किसी से कोई संपर्क नहीं हो पाएगी, कुछ भी आप देख नहीं पाएंगे, बस आपको चलते जाना है। मैंने कहा यार यही मौका है, इस समय कोई ऑफिशियल काम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, चलो थोड़ी बहुत वीडियो बना लेते हैं, आप लोगों से बात कर लेते हैं थोड़ी देर। भाई हम लोगों की गाड़ी पुलिस वाले ने रास्ते में रोक दिया, फिर हमारी गाड़ी नहीं, ऐसे बहुत सारे गाड़ी को ऐसे रोक दिया, बसेस भी रोक दी गई है। तो हमारी गाड़ी का जो अपराध है, 2016 में कोई वायलेशंस किया था, उसका खामियाजा अभी भुगतना पड़ेगा। तो ये हमारा ड्राइवर भी दौड़ के आ रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, हाथ में रसीद लेके आया हुआ है, पूछते हैं उसको भाई क्या हुआ है। व्हाट हैपेंड एरिक, and check this room, this car was where is that room? It's in Kampala. It's in Kampala, yeah. So as you go there when I have time to go and check if during the car was given a receipt. Okay, because like the way we've been explained, so how much is the receipt? It has no payment, I've not paid. Oh, you just have to check and then clear it up from their records. Exactly. All right, great, let's move then. So Uganda police ne isko 1.5 लाख शिलिंग, मतलब हमारे इंडियन करेंसी में 3,000 रुपये का एक पर्ची पकड़ा दिया है इसको। ये जब भी कंपाला वापस जाएंगे, वहीं जाके इनको ये जमा करना पड़ेगा। देखिए आपने, युगांडा में गाड़ी चलाना कितनी तकलीफ की बात हो सकती है। गाड़ी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मैं गाड़ी के ऊपर अपना एक वीडियो बना रहा हूँ, वो पता नहीं वो कब पब्लिश होना है। वो वीडियो तो मैंने शुरू करी थी मार्च महीने में, आपको पता ही है मैं जब तंजानिया में था, मैं जब केनिया में था, वहाँ पे मैंने गाड़ी वाड़ी ले ली थी, खूब गाड़ी चलाया, बट जब कंट्री छोड़ने की नौबत आई तो गाड़ी बुरी बेच बुझ के फिर निकल गया।
वही पॉलिसी यहाँ पे अपनाने की कोशिश करी। गाड़ी लेने के लिए मैंने मार्च से शुरू करी। उस गाड़ी की जो किस्सा है मैं आप लोगों को फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट मेरा कहने का मतलब है, ये एक सबक है मेरे लिए भी, अगर मैं यहाँ पे गाड़ी चलाना चाहूँ और फ्यूचर में, तो ऐसे दिक्कतें आएगी और मुझे झेलनी पड़ेगी। तो अभी कुछ नहीं, एरिक जो हमारा गाड़ी का जो ड्राइवर है उसको अभी 1.5 लाख का पर्ची पकड़ा दिया है। तो ये जैसे ही ये कपला वापस जाएंगे, वहाँ पे जो RTO का ऑफिस होगा वहाँ पे जाके बात करेंगे, बात करके फिर इसको सलगाएंगे। भाई अभी गुलू टाउन में घुस गए हैं। गुलू कपाला से करीब करीब 330-335 किलोमीटर दूरी पे है। बहुत बड़ा शहर नहीं है, बट यहाँ पे 2-2.5 लाख की आबादी होनी चाहिए, देख के तो मुझे ऐसे ही लगता है। तो अभी सबसे पहले ऑफिस जाना पड़ेगा, ब्रांच जाएंगे, विजिट करेंगे, उसके बाद फिर शाम को होटल में चेक इन करेंगे। सिटी जो है काफी नीट एंड क्लीन है। अब देखो शानदार सोलर लाइट लगा हुआ है। कुल्लू शहर को देख के मुझे काफी जलन महसूस हो रहा है, वो इसीलिए कि यहाँ पे रोड इतना बढ़िया है और ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। और कंपाला में ट्रैफिक इतना केओटिक है कि दोस्त आपको मैं बताऊं, लोग भाग अपनी गाड़ी छोड़ के इसको बोडा बोडा कहते हैं और बोडा बोडा में जाना ही पसंद करते हैं। तो अभी हम लोग निकले हैं शाम को थोड़ा टहलने के लिए। यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, लोग बता रहे हैं, तो वहीं पे अभी कोशिश करेंगे खाना वाना खाने की। पहले तो ढूंढना है कहाँ पे है। भाई यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया है, ये इथियोपियन एंड इंडियन रेस्टोरेंट बोल रहे हैं। देखते ट्राई करते क्या मिलता है वहाँ पे। तो गुलू में शायद ये एक ही इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा, ये न्यू फ्लोरिडा होटल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इंडियन खाना तो मिल ही जाएगा। कोशिश कर लेते हैं आज, बहुत भूख लगी हुई है, दोपहर को कुछ खाए नहीं यार, 350 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं, थके हुए हैं एकदम। प्लीज ब्रिंग द मेनू कार्ड। तो इनके यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर दोनों जगह पे ही ओपन रेस्टोरेंट है, तो बढ़िया है। तो हमने ओपन रेस्टोरेंट के लिए अपर फ्लोर ही चूज किया। ठीक है यार, बेसिक है, बढ़िया है, यही बैठ जाते हैं। सिटी कितना सजा हुआ है यार, पार्किंग एरिया भी देखो। भाई ऑर्डर दे दिया, जबरदस्त भूख लगी है, अब खाना आने की बस इंतजार है, आते ही कूट पड़ेंगे। भैया काफी मशक्कत के बाद खाना आ गया, सिंपल सा खाना है, आलू जीरा है, ये बूंदी रायता है, सलाद है और एक प्लेन नान है। जबरदस्त भूख लगी है, खाना खा लेते।